हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल मूंग दाल हलवे की रेसिपी। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे और वो भी बहुत ही कम घी में और बहुत ही कम समय में। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको माइक्रोवेव में बनने वाली रेसिपीज़ और भी अन्य रेसिपीज़ की जानकारी तुरंत ही मिल जाएगी। कई बार आप जब गैस पर बनाते हैं, एक तो उसे दाल को लगातार चलाना होता है और इसमें घी भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और कई बार दाल भी ठीक से नहीं भुन पाती है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के लिए आज हम हलवे को माइक्रोवेव में बनाएंगे। एक कटोरी मूंग की दाल लेंगे और आधा कटोरी चने की दाल लेंगे। चने की दाल से हमारे हलवे में बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। दोनों दालों को एक बाउल में लेंगे और उसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेंगे। दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे गुनगुने पानी में भिगो देंगे और इसमें 1/4 स्पून खाने का सोडा भी डाल देंगे और फिर इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट बाद दाल को चलनी में निकाल कर रख देंगे, इससे पानी निकल जाएगा। सबसे पहले हम एक माइक्रोसेफ बाउल में 1 चम्मच घी का ले रहे हैं। यदि घी मेल्ट नहीं है तो उसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। 2 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद घी पिघल चुका है। इसमें भीगी हुई दाल जिसका पानी निकल चुका है, इसे डालेंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। तीन मिनट के लिए बाउल को माइक्रोवेव मोड पर करेंगे। दाल को माइक्रोवेव में से निकाल कर चेक कर लेते हैं। दाल अभी पूरी तरह से भुनी नहीं है, इसलिए इसे हल्का हल्का चलाकर वापस से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से होनी चाहिए। अब इसे ठंडा करके पीस लेंगे। इस तरह से पिस चुका है, दरदरा सा पीसा है मैंने, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब मैंने 2 चम्मच घी लिया है, इसमें अब मैं सारा ही जो मटेरियल है वो डाल दूंगी। इसे 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में चलाएंगे। अब इसमें 1.5 कप दूध को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने 1.5 कप दाल ली है तो 1.5 कप ही दूध लेना है। अब इसे ढककर माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए रख देंगे। चार मिनट हो गए हैं और इसे मैंने माइक्रोवेव से निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है, इसने दूध भी सारा एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप ताजी मलाई और इसे अच्छे से चला लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। आप मलाई की जगह चाहें तो मावा भी ले सकते हैं। अब इसमें 1.5 कटोरी शुगर का डालेंगे। जिस कटोरी से आपने दाल को मेजर किया है उसी कटोरी से इसे भी मेजर करना है। पहले मैं 1 कटोरी डालूंगी, फिर इसे मिलाते हुए आधे कटोरी और डालूंगी। इसमें 1/2 कप मिल्क का भी मिला देंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है कम समय में मूंग की दाल का हलवा बनाने की। पाँच मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। वाह क्या बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है, देखिए कितना बढ़िया भुन चुका है, देखिए कितना बढ़िया भुना है। आपको विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि ये माइक्रोवेव में बना है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेंगे, ज़रूरी नहीं है, यदि आप चाहें तो डाल सकते हैं।
अब इसमें आधा स्पून इलायची पाउडर का डालकर मिक्स करेंगे और इसे वापस से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव से निकालने के बाद देखते हैं कि इस स्टेज पर हलवा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और बहुत ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार है, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं। देखिए, हलवा तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, परंतु यदि आपको ज़्यादा भुना हुआ पसंद है तो आप इसे 1 चम्मच घी डालकर वापस से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें। यदि किसी कारण से आपका हलवा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो इसमें आधा कटोरी पानी डालें और 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें। ये हलवे का कलर एकदम ओरिजिनल है, ना ही मैंने इसमें किसी प्रकार के कलर का यूज किया है, ना ही केसर का यूज किया है। बहुत ही बढ़िया हलवा बन गया है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। अंत में आप दाल को पहले से भी भूनकर और पीसकर फ्रिज में रख सकते हैं, और आपका जब भी मन करे या गेस्ट आ जाए तो आप उसे तुरंत ही बना सकते हैं।